नमस्कार, मैं पायल और आप देख रहे हैं डीएनएन इंडिया। अजमेर शहर कांग्रेस कमेटी व सैनी समाज के प्रबुद्ध जनों द्वारा अजमेर क्लब के पास ज्योतिबा सर्कल पर ज्योतिबा फुले की 134वीं पुण्यतिथि के अवसर पर ज्योतिबा फुले की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर श्रद्धा सुमन अर्पित किए गए। सामाजिक एवं शैक्षणिक जागृति के अद्भुत ज्योतिबा फुले की 134वीं पुण्यतिथि पूरे देश भर में मनाई जा रही है, जिसके तहत पूरे देश भर में कई कार्यक्रम आयोजित हो रहे हैं। अजमेर शहर कांग्रेस कमेटी समेत भाजपा कार्यकर्ताओं व सैनी समाज के प्रबुद्ध जनों द्वारा अजमेर क्लब के पास ज्योतिबा सर्कल पर ज्योतिबा फुले की 134वीं पुण्यतिथि के अवसर पर ज्योतिबा फुले की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर श्रद्धा सुमन अर्पित किए। इस दौरान अजमेर नगर निगम नेता प्रतिपक्ष द्रौपदी कोहली ने बताया कि ज्योतिबा फुले ने समाज में महिलाओं व उनकी शिक्षा के उत्थान के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। कांग्रेस के सभी कार्यकर्ताओं को ज्योतिबा फुले की पुण्यतिथि पर उनके पद चिन्हों पर चलने का आग्रह किया। पूर्व मेयर धर्मेंद्र गहलोत ने कहा कि संविधान में महिलाओं व पुरुषों के लिए बराबर के अधिकार स्थापित किए गए हैं। इन अधिकारों को धरातल पर ज्योतिबा फुले व सावित्री फुले ने ही उतारा है। जीवन पर्यंत समाज के लिए और समाज के उत्थान के लिए वे कार्यरत रहे हैं। सैनी समाज के कार्यकर्ताओं ने बताया कि शिक्षा का स्थान जो वर्तमान में स्थापित है वह केवल ज्योतिबा फुले व सावित्रीबाई फुले के कारण ही संभव हो पाया है। सैनी समाज के लोगों ने सरकार से निवेदन किया कि वे ज्योतिबा फुले व सावित्रीबाई फुले को भारत रत्न देवे। इस कार्यक्रम के दौरान भाजपा नेताओं, कांग्रेसी नेताओं, मौली समाज के प्रबुद्ध जनों व समाज सेवी मौजूद रहे। महात्मा ज्योतिबा फुले जी की पुण्यतिथि है, मैं आपके चैनल के माध्यम से उनको नमन करता हूँ। और प्रकृति ने इस प्रकार से महिला और पुरुष को समान रूप से जन्म दिया, समान रूप से संविधान में अधिकार मिले, वो अधिकार के नाते उसको धरातल पर उतारने के लिए महात्मा ज्योतिबा फुले जी और उनकी धर्मपत्नी सावित्रीबाई फुले जी ने जीवन पर्यंत संघर्ष करके महिला शिक्षा आगे बढ़े, महिलाओं का उत्थान हो और देश के अंदर महिलाओं का नाम हो, इस नाते अगर आपको देखने को मिलेगा उनकी जगह ही भी अलग आज पूरे देश में हमारे को देखने को मिल रही है। महिलाओं का आरक्षण भी दिया जा रहा है, महिलाओं को शिक्षा के बारे में बढ़ाया भी जा रहा है, महिलाएं नौकरी में भी आ रही है और एक से एक पदों पर आ रही है। इसलिए इस दंपत्ति को आज के दिन मैं नमन करता हूँ कि जिस प्रकार का आपने अलग जगाई है, हम आज पुण्यतिथि के माध्यम से समाज में इस बात को और आगे ले जाएंगे, इतना कहना। आज हम ज्योतिबा फुले की पुण्यतिथि है, उनके चरणों में सादर सुमन अर्पित करते हुए उनकी 134वीं पुण्यतिथि पे सब लोगों ने यहाँ आकर उनको फूल चढ़ाए। उन्होंने उस समय शिक्षा के क्षेत्र में जो काम किया, आज हम उसकी वजह से ही इतना उन्नति कर पा रहे हैं। उन्होंने अपने देश के लिए, अपने समाज के लिए, अपने सभी समाज के लिए शिक्षा के क्षेत्र में योगदान दिया, महिला शिक्षा को सबसे ज़्यादा बढ़ावा दिया और महिला शिक्षा को इतना बढ़ावा दिया उन्होंने उस समय। उन्होंने सामंतवाद से डर नहीं लगा, सामंतवाद ने बहुत उनका विरोध किया, सामंतवाद ने बहुत उनके ऊपर अत्याचार किया, लेकिन फिर भी शिक्षा के क्षेत्र से, सामाजिक क्षेत्र से, सेवा के क्षेत्र में वो कभी भी पीछे नहीं हटे। उनकी इन बातों को ध्यान में रखते हैं हमें भी उनके पद चिन्हों पर चलते हुए उनके काम करने चाहिए, जो अधूरे काम है उनको पूरा करना चाहिए। शिक्षा के क्षेत्र में सभी बच्चों को, पढ़ाई के क्षेत्र में हमें योगदान देना चाहिए, यही मैं आज कहूँगी उनके श्रद्धांजलि। प्रणेता और महिला उत्थान के प्रणेता आज महात्मा ज्योतिबा फुले की 135वीं पुण्यतिथि आज अजमेर क्लब ज्योतिबा फुले सर्कल पर समस्त माली सैनिक समाज मना रहा है। मैं आपके चैनल के माध्यम से भारत सरकार से मैं यही निवेदन करता हूँ कि जो महिला उत्थान के जिन्होंने प्रेरणा करी है, प्रेरणाता हैं और आज जहाँ हर एक नारी शिक्षित है और ऑफिसों में जो है अधिकारी बन के बैठे, तो उसके श्रेय जाता है महात्मा ज्योतिबा फुले और माँ सावित्रीबाई फुले को। मैं आपके चैनल के माध्यम से भारत सरकार से निवेदन करता हूँ कि भारत सरकार जो हमारे ज्योतिबा फुले दंपत्ति है, इन्हें भारत रत्न देने का निवेदन करें, निवेदन करता हूँ। और समाज में जो कुरीतियाँ हैं उनको समाप्त करें और सभी समाज बंधु इनके जो आदर्श हैं उनको जन जन तक पहुँचाएं। महात्मा ज्योतिबा फुले सर्कल के पास ज्योतिबा फुले की प्रतिमा के ऊपर माल्यार्पण करने के लिए अजमेर शहर के सभी बुद्धिजन महानुभाव माली सैनी
समाज के प्रभुत्वजन, बुजुर्ग, महिलाएं, युवा और राज नेताओं के कई मंत्रीगण यहाँ महात्मा ज्योतिबा फुले को पुष्पांजलि अर्पित करने के लिए आते जा रहे हैं। उनका तांता लगा हुआ है और कई महानुभावों ने महात्मा ज्योतिबा फुले की जीवनी के ऊपर प्रकाश डाला और बताया कि इनके रास्ते पे चलें और अनुसरण करें। मैं अपनी ओर से, अपने माली सैनी समाज की ओर से महात्मा ज्योतिबा फुले को उनकी। अजमेर के कचहरी रोड पर सड़क निर्माण का कार्य अधूरा रह गया था, जिसकी वजह से कचहरी रोड के व्यापारियों को काफी समस्या का सामना करना पड़ रहा है। व्यापारियों ने सरकार से रोड निर्माण जल्द से जल्द करवाने की मांग की है। अजमेर स्मार्ट सिटी के तहत कचहरी रोड पर 4 दिन पहले डामरीकरण का काम शुरू किया गया था। एक तरफ की सड़क बनाने के बाद काम फिलहाल रुका हुआ है, दूसरी तरफ का काम शुरू करने में फिलहाल तकनीकी दिक्कतें आई है। TPIDL की ओर से ट्रांसफर DP सहित अन्य बिजली उपकरण शिफ्ट करने के लगातार प्रयास किए जा रहे हैं और इसी बीच व्यापारियों का कहना है कि कचहरी रोड शहर की व्यस्त रोड है, जिसकी वजह से गाड़ियों का आवागमन पूरे दिन होता रहता है। इन गाड़ियों के आवागमन से धूल मिट्टी उड़ती है, जो बीमारी का कारण है, जिसकी वजह से व्यापारियों को अस्थमा, आंखों की बीमारी जैसी कई समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। व्यापारियों का कहना है कि गांधी भवन के सामने से कचहरी रोड पर आते ही एक बड़ी DP सड़क पर लगी हुई है, जिसके तार खुले हुए हैं। जब तक कि शिफ्टिंग का काम पूरा नहीं होता, डामरीकरण दूसरी तरफ शुरू नहीं होगा। लंबे समय के इंतजार के बाद कचहरी रोड की सड़क पर डामरीकरण का काम शुरू हुआ था। तीनों छोरों पर कुल 13 किलोमीटर लंबी सड़क बनाई जानी है। इससे पहले हिस्से में कचहरी रोड का काम शुरू किया गया था, लेकिन यहां TPIDL की DP सहित अन्य बिजली उपकरण शिफ्ट किए जा रहे हैं, जिसकी वजह से काम रुका हुआ है। व्यापारियों ने विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी का आभार व्यक्त किया कि उनकी समस्या सुनकर सड़क निर्माण के कार्य का उद्घाटन किया गया और मध्यस्थता बनाते हुए सड़क निर्माण का कार्य किया गया। तो समस्याओं का ही बाजार हो चुका है, शहर का मुख्य बाजार हुआ करता था। शहर का ऐसा कोई बाजार नहीं था जो इतनी लंबी लाइन से और जो है दुकानें हैं चौराहे से लेके चौकड़े तक, इतना लंबा बाजार शायद ही शहर में होगा। मुख्य बाजार शहर में जुलूस वलूस जो भी निकलते थे सब हम अटेंड करते थे, लेकिन पिछले 6-7 साल से हमारा कोई धनी धोरी नहीं है इस रोड का और भयंकर पीड़ा भुगत रहे हैं। ये एलिवेटेड रोड जब से बना तब से हमारे बुरे दिन चालू हो गए। धंधा व्यापार ठप है और चारों तरफ खुदाई हो रही है, सड़कें खराब हैं, कोई आना जाना पसंद नहीं करता हमारे रोड पे, पूरी तरह बेरोजगार हो चुके हैं। कई व्यापारी दमे के मरीज भी हो गए, अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। मैं आपको दुकानदार का नाम बता रहा हूँ, हरिओम दूध सेंटर है हमारे पास में, उनको ICU में भर्ती कराना पड़ा और श्री नंबर प्लेट वालों को हार्ट अटैक आया। क्या हुआ, क्या समस्या आई थी उनको? समस्या क्या आई, रोड बिल्कुल खराब, 2 मौतें हो गई। हमने अपने विधानसभा अध्यक्ष देवनानी जी से भी गुहार लगाई तो उन्होंने मध्यस्थता करी और जो है मैं उनका तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ कि देवनानी जी के मध्यस्थता से ही ये सड़क का निर्माण हुआ। लेकिन सड़क के निर्माण से बहुत देरी हुई और जब देवनानी जी विदेश यात्रा करके आए तो कहीं ना कहीं उनको दिखाना था अधिकारियों को कि हमने सड़क बनाई है, और उन्होंने क्या सड़क बनाई, ये सड़क इतनी ऊँची बनाई, जब हम आए आधी सड़क बनी आधी नहीं बनी, और सड़क जो है बना के और इतनी ऊंची सड़क कर दी, ये निश्चित रूप से दुकानों में पानी भरेगा। सड़क जो बननी थी खुदाई करके बननी थी, खुदाई करने के बजाय इन्होंने जैसे ही दुकान पे आए हम आधी सड़क बन चुकी थी, अब किसके गुहार लगाएं, किसको बोलें, निश्चित रूप से पानी जो है अंदर जाएगा। हम तो बड़े परेशान हैं कचहरी रोड के। समस्या ये है, पहले तो मैं बड़ा ही धन्यवाद करूँगा देवनानी जी का, जिन्होंने इतना सपोर्ट करके हमें इतना रोड बनाने की प्रयास किया, उनके सफल अथक प्रयासों से हमारा ये काम आज हुआ, स्टार्ट हुआ। पर संतुष्टि नहीं मिल पा रही सर, मैं काम संतुष्ट नहीं हूँ। काश ये लेवल हमारा इतना ऊपर बढ़ गया है कि पानी आएगा, पानी भरेगा, बारिश के मौसम में हमारी दुकानों के अंदर पानी घुसेगा, वो कौन रुकेगा, कोई नहीं सुनेगा। हमने कहा था कि भाई 6-6 इंच गड्ढा खोद के उसको पूरा रोड के लेवल पर बनाकर तब जाके काम करवाना, पर उन्होंने कुछ किया ही नहीं, तो डिपअप होती हो गई। इतने आंसू हमारे ये हो गए कि अब छूट गया आंसू रो रुके, कहाँ रोएं, किसको रोएं, क्या जाएं, किधर जाएं। अगर हमारी बात सुनता प्रशासन तो हम अच्छा काम करने की कोशिश करते, पर सुनी नहीं, रातों को लेकर हमारा
अजमेर के खाईलैंड मार्केट स्थित एक निजी होटल में ब्रांडेड शैम्पू में केमिकल मिलाकर नए सिरे से पैकिंग कर बेचने के मामले में सदर थाना कोतवाली ने 4 युवकों को गिरफ्तार किया है। अजमेर के खाईलैंड मार्केट स्थित एक निजी होटल में ब्रांडेड शैम्पू में केमिकल मिलाकर नए सिरे से पैकिंग कर बेचने के मामले पर सदर थाना कोतवाली ने 4 युवकों को गिरफ्तार किया है। जहां सदर थाना कोतवाली के SI ने बताया कि उन्हें सूचना मिली कि खाईलैंड मार्केट में एक निजी होटल में क्लिनिक प्लस, हेड एंड शोल्डर, पेंटिन जैसे नामचीन शैम्पू ब्रांड की बोतलों में कास्टिक सोडा समेत केमिकल का मिश्रण मिश्रित किया जा रहा था और इन बोतल्स को दरगाह क्षेत्र के बाजारों में बेचा जा रहा था। जहां सूचना पर आरोपित को पुलिस ने गिरफ्तार किया, इसी के साथ ही मिश्रण के ड्रम पर नकली माल को जब्त कर लिया गया है। बताया जा रहा है कि आरोपित युवक UP व हैदराबाद के निवासी है। पुलिस ने विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज कर अग्रिम कार्रवाई शुरू कर दी है। सूचना मिली थी कि क्या खाईलैंड मार्केट में होटल रतन के अंदर कुछ लोग नकली सामान बना रहे, इसके ऊपर जाकर हमने रेड डाली और सर्च किया तो वहाँ पर नकली शैम्पू जो ब्रांडेड कंपनी के शैम्पू शीशियाँ हैं उसमें क्लिनिक प्लस, सनसिल्क, पेंटिन, डव, हेड एंड शोल्डर इन सब कंपनियों की शीशियाँ ये क्या जो कबाड़ी से जो खाली शीशियाँ खरीद करके और उसको उसमें केमिकल और कास्टिक उसमें भर करके रिफिल कर करके और नए सिरे से पैकिंग करके दोबारा अपने दरगाह बाजार में बेचने का काम कर रहे थे। उनमें से एक है गुड्डू सनौफ नन्ने खां, सुल्तान सनौफ वकील उस्मानी जाति मुसलमान, समीर पुत्र हबीब मुसलमान निवासी इस्लाम नगर आगरा PS टांस जमना उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। 3 और 1 गोविंद सोनी निवासी हैदराबाद। इन चारों लड़कों को 170 BNSS में गिरफ्तार किया है और जो इसके केमिकल के ड्रम और इसका जो प्लास्टिक का सामान है वो सारा 106 BNSS में जब्त किया है और कंपनियों की इसमें तो जांच की जा रही है क्या और क्या आगे का हाँ बेचा है इस बारे में। यहाँ रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे खबरों के नए सफर के साथ। तीर्थ नगरी पुष्कर में प्रतिबंध के बावजूद मीट सप्लाई करने आए अजमेर के 2 युवकों को लोगों ने मीट के साथ धर दबोचकर पुष्कर पुलिस के हवाले किया। तीर्थ नगरी पुष्कर में प्रतिबंध के बावजूद मीट सप्लाई करने आए अजमेर के 2 युवकों को लोगों ने मीट के साथ धर दबोच लिया। इनमें से एक युवक चकमा देकर भाग छूटा। लोगों ने पुलिस को सूचना दी। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि देर शाम लोगों ने रामधाम के पास 2 संदिग्ध युवकों को पकड़ा और उनकी तलाशी ली। तलाशी पर लोगों को उनके पास से जानवरों का मांस मिला। लोगों ने धार्मिक नगरी में मांस के बेचने व सेवन करने पर प्रतिबंध लगा होने का हवाला देते हुए दोनों की पिटाई करना शुरू कर दिया। इसी बीच एक युवक मौके से भागने में सफल रहा। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची तथा युवक को जीप में बैठाकर थाने ले गई और जांच पड़ताल शुरू कर दी। युवक ने अपना नाम आसिफ बताया है। ये भी अजमेर का कोई निवासी है और यहाँ पे पुष्कर में तीर्थ नगरी पुष्कर में धार्मिक नगरी है जहाँ पर मांस मदिरा ये नॉनवेज वगैरह लेके आया और यहाँ पे वो भक्तों ने और सभी भाइयों ने पकड़ा इसको और उसने कबूला है कि ये गोमांस है और अभी देखते हैं जांच में पता चलेगा क्या है और उस पर उचित कार्रवाई करवाने के लिए प्रयास जारी है। पुलिस प्रशासन ने अभी उसको थाने लेके गए। किसके खातिर लेके आया?
अब ये बोल रहा है कि यहाँ पे जो ये बंगाली बिहारी रहते हैं उनके लिए लाता है, तो अब सोचिए कि ये धार्मिक नगरी ब्रह्मा जी की नगरी है, यहाँ पर इस तरीके से अगर नॉनवेज आता रहा तो फिर धार्मिकता कहाँ रही। तो इन पे कठोर कार्रवाई होनी चाहिए और जितने बंगाली बिहारी रहते हैं उन्हें बिल्कुल अलर्ट करना चाहिए, उन्हें मना कर देना चाहिए कि इस नगरी में रह रहे हो ब्रह्मा जी की नगरी में, तो ये नहीं चलेगा उनका मामला। तो बड़ा विचित्र है और इसके लिए हमारे तीर्थराज पुष्कर के लिए बड़ी शर्मिंदगी की बात है कि जिस प्रकार से यहाँ अवैध तरीके से ये अभक्ष्य भोज्य ला करके यहाँ बेचा जा रहा है, तो हम तो सभी सनातनी पुष्कर सनातनियों से भी यही मांग करते हैं कि जितने भी विधर्मी इस पुष्कर राज में रह रहे हैं उनके चाहे व्यवसाय के कारण रह रहे हो चाहे किसी भी कारण से रह रहे हो, तुरंत प्रभाव से इनको यहाँ से निकालना चाहिए, तब जाकर के ये स्थितियाँ नियंत्रण हो पाएगी। क्योंकि आज हमारे पुष्कर की स्थिति, हम कहते हैं कि हम सनातनी है सब कुछ है, लेकिन सनातनियों के घर में ही कई सारे विधर्मी लोग रह रहे हैं सिर्फ कुछ पैसे के लालच में, जो चीज़ें बंद होनी चाहिए। और प्रशासन से भी यही मांग करना चाहते हैं कि जितनी भी व्यवसायिक गतिविधियाँ चल रही उनका वेरिफिकेशन होना चाहिए, उनका ऑन रिकॉर्ड होना चाहिए। और यहाँ आकर के कुछ लोग जो यहाँ के वासी बन चुके हैं और आज कहते हैं कि हम पुष्कर के वासी हैं, उनके भी पते करने चाहिए कि वो कहाँ से आए, उनका क्या बैकग्राउंड है, और उनका पूरा आईडी प्रूफ होना चाहिए, तब जाकर के ये चीज़ें नियंत्रण होगी। और मैं पुष्कर के सभी सनातनियों से ये आह्वान करना चाहता हूँ और प्रशासन से भी कि तुरंत प्रभाव से इन चीज़ों को कंट्रोल करना चाहिए, वरना आने वाले समय में अगर ये चीज़ें बढ़ती रही तो सभी सनातनों में एक उग्र भाव पैदा हो चुका है और ये उग्र आंदोलन का रूप लेगा। क्योंकि छोटी मोटी घटनाएं नहीं है, आज हमारे सनातन धर्म को मिटाने वाली घटनाएं, और ये हमारे सनातन तीर्थराज जो है सतयुग का तीर्थ है उसकी गरिमा पर आघात पहुँचाने वाली बात है। इसलिए आप सभी मिलकर के इन चीज़ों को नियंत्रण करें और यहाँ से समाप्त करें। जय श्री राम। गुरु जी, आज कार्रवाई नहीं करेंगे तो आगे क्या कार्रवाई करें? कार्रवाई नहीं करें तो हम सभी सनातनी और जितने भी हिंदूवादी संगठन हैं उनसे यही मांग करेंगे और उनसे पहल करना चाहेंगे कि आप सभी मिलकर के पुष्कर कम से कम हमारे तीर्थ की गरिमा को बनाए रखें, ऐसी स्थितियां पैदा करें। सिर्फ पैसा ही जीवन का आधार नहीं होता, हमारा धर्म भी बहुत कुछ कहता है। धर्म के आधार पर कई सारी चीज़ें होती है और ये चीज़ें आज नहीं पिछले कई सालों से चल रही है, लेकिन आने वाले समय में अब हिंदू जाग चुका है तो ये आग लग चुकी है कि हमारे सनातन को बचा। भारत सरकार के द्वारा शुरू किए गए बाल विवाह मुक्त भारत अभियान को समर्थन देते हुए राजस्थान महिला कल्याण मंडल व जस्ट राइट्स फॉर चिल्ड्रन ने संयुक्त रूप से बाल विवाह मुक्त भारत अभियान के लिए प्रेस वार्ता का आयोजन किया। भारत सरकार के द्वारा शुरू किए गए बाल विवाह मुक्त भारत अभियान को समर्थन देते हुए राजस्थान महिला कल्याण मंडल व जस्ट राइट्स फॉर चिल्ड्रन ने संयुक्त रूप से बाल विवाह मुक्त भारत अभियान के लिए प्रेस वार्ता का आयोजन किया, जिसके अंतर्गत संस्था निदेशक राकेश कुमार कौशिक ने बताया कि हाल ही में 27 नवंबर को भारत सरकार के द्वारा बाल विवाह मुक्त भारत अभियान की शुरुआत की गई। राजस्थान महिला कल्याण मंडल एवं जस्ट राइट्स फॉर चिल्ड्रन ने संयुक्त रूप से बाल विवाह की रोकथाम एवं जागरूकता के लिए प्रयासरत है। संस्था के द्वारा अपने 6 जिलों के कार्यक्षेत्र में 10 लाख से भी अधिक लोगों को बाल विवाह के विरुद्ध शपथ दिलाई तथा लगभग 1500 परिवारों को बाल विवाह नहीं करने के लिए पाबंद किया। बाल विवाह की सूचना मिलने पर टीम ने पुलिस व प्रशासन के साथ मौके पर जाकर 150 बाल विवाह रुकवाने की कार्रवाई भी की। वहीं संस्था द्वारा संकल्प लिया गया कि 2030 तक भारत को बाल विवाह मुक्त बनाएंगे। यहां राजस्थान महिला कल्याण मंडल और जस्ट राइट फॉर चिल्ड्रन के संयुक्त तत्वाधान में बाल विवाह मुक्त भारत को लेके यहाँ एक प्रेस वार्ता आयोजित की गई है। हम जानते हैं कि बाल विवाह एक सामाजिक बुराई है और समय समय पर सरकार और गैर सरकारी संगठन इसको लेके विरोध जताते रहे हैं, लेकिन अभी भी गांव स्तर पर अगर हम लोग देखते हैं तो बाल विवाह हो रहे हैं नियमित रूप से। तो बाल विवाह रोकने के लिए एक सघन अभियान की ज़रूरत है। इसी को लेके कल भारत सरकार के महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने भी एक पोर्टल लॉन्च किया है और इस कैंपेन को एक सरकारी अभियान बनाया है। पूरे भारत में ये शपथ ली जा रही है कि बाल विवाह मुक्त भारत बनेगा। तो जो हमारे जैसे स्वैच्छिक संगठन हैं उनके कैंपेन को एक शक्ति मिली है, एक संबल मिला है कि हमारा जो ये कैंपेन है ये जरूर सफल होगा। हम सभी स्वैच्छिक संगठन और विशेष रूप से जो हमारा राष्ट्रीय संगठन है जस्ट राइट फॉर चिल्ड्रन, हमारा ये संकल्प है कि हम लोग 2030 तक भारत को बाल विवाह मुक्त भारत बनाएंगे। तो इस कैंपेन के तहत हम लोग अलग अलग जिलों में अलग अलग अभियान चला रहे हैं। जैसे विशेष रूप से राजस्थान महिला कल्याण मंडल ने 10 लाख लोगों को ये प्रतिज्ञा दिलाई है कि वो बाल विवाह नहीं करेंगे और किसी भी ऐसे अभियान में अपना सहयोग नहीं करेंगे जो बाल विवाह को प्रोत्साहित करता हो।
इसी तरीके से करीब 150 से ज़्यादा हम लोगों ने बाल विवाह प्रशासन की मदद से रुकवाए हैं, और करीब करीब हर जिलों में जब इस तरीके का कहीं प्रयास होता है बाल विवाह करने का, तो उसमें हमारी टीम पूरी मुस्तैद है और मीडिया के साथियों की मदद से, प्रशासन की मदद से हम लोग इनको रुकवाने का अपना जो एक अभियान है उसको सक्रिय रूप से कर रहे हैं। खबरों के सफर में अभी सिर्फ इतना ही, फिर हाजिर होंगे खबरों के नए सफर के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत, नमस्कार।